हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। यामाहा FZX लॉन्च हो चुकी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये ज़रूर जान पाएंगे कि टेक्निकली और प्रैक्टिकली ये गाड़ी आपके लिए बनी भी है या फिर नहीं, इसे खरीदना आपके लिए फ़ायदे का सौदा है या फिर नहीं। तो आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इसके इंजन की। तो यहाँ पे आपको 149cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2-valve BS6 इंजन ऑफर किया जा रहा है, जो कि मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 12.4 PS की एट द रेट 7,250 RPM पर, और वही जो मैक्स टॉर्क है 13.3 Nm का एट द रेट 5,500 RPM पर। और इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाता है जो मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है, और इसी के साथ सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, किक का किसी भी तरह का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अब इस इंजन के बारे में बताना चाहूँ, टेक्निकली बताना चाहूँ, तो यहाँ पे ये जो इंजन है ये स्क्वायर इंजन आती है, ओवर स्क्वायर अंडर स्क्वायर तरह तरह के इंजन होते हैं, तो ये जो इंजन है ये स्क्वायर इंजन है। इस तरह के इंजन के अपने ही कुछ फायदे होते हैं। ये स्क्वायर इंजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो बोर साइज आपको मिल रही है 57.3 mm की, ये इसके जो मिलने वाले स्ट्रोक साइज है उसके लगभग सिमिलर है। 57.9 mm की यहाँ पे जो स्ट्रोक साइज है वो मिल रही है। तो इस तरह के इंजिन के अपने ही कुछ फायदे होते हैं। इस तरह के इंजिन में लो एंड परफॉर्मेंस के साथ साथ हाई एंड परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, मतलब सिमिलर सा मिलता है, आपको दिक्कतें नहीं होती है। अब यहाँ पे ये इंजिन डेली परफॉर्मेंस में स्मूथ नज़र आता है। इसी के साथ इसका एक नुकसान ये भी है कि जब हम हाई स्पीड परफॉर्मेंस एस्पेक्ट करते हैं तो जो हमें चाहता है, मतलब गाड़ी के जो हिसाब है गाड़ी का, यानी कि जो गाड़ी की कैपेसिटी है उस हिसाब से तो वो चली जाती है, लेकिन 150cc का इंजन जिस तरह से परफॉर्मेंस देना चाहिए वो शायद ना दे पाए। मतलब कि हाई एंड परफॉर्मेंस 110, 120, 115, 118 ये वाला स्पीड शायद अचीव ना कर पाए। तो ये होता है स्क्वायर इंजन की कहानी। अब ये बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की, मजबूती की। आफ्टर ऑल ये यामाहा की गाड़ी है। यामाहा की गाड़ी में जो प्लास्टिक मटेरियल होता है अफकोर्स यस काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है हर किसी गाड़ी में। साथ ही यहाँ पे जो स्टील मटेरियल और आयरन मटेरियल यूज़ किया गया है अपने आप में बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ नज़र आ रहा है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो, इस गाड़ी में मैक्सिमम जो यूज़ है वो प्लास्टिक और फैब्रिक क्वालिटी का किया गया है, और इसी के साथ फैब्रिक मटेरियल का यूज़ किया गया है, और इसी के साथ यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें मेटल यूज भी काफी हद तक देखने को मिलता है। हेडलाइट का एरिया हो, रियर लाइट का एरिया हो, टर्न सिग्नल जो लैंप होते हैं आपके वो है, उसके बाद जो अलॉय व्हील्स है, सीटिंग की क्वालिटी है, हैंडल बार है, उसके ऊपर जो स्विचेस लगाए गए हैं अपने आप में प्रीमियम फिट एंड फिनिशिंग इस गाड़ी पे यहाँ पे नजर आ रही है। इस गाड़ी का जो ओवरऑल कर्व वेट है वो 139 kg है, और इसी के साथ इसकी जो मैक्स टॉर्क, अभी जैसे मैंने कहा थोड़े टाइम पहले, मैक्स पावर ये 12.4 PS का जनरेट करता है। तो अब इस हिसाब से अगर मैं बात करूं इसके पावर टू वेट रेशियो की और कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 89.20 HP/kg की पावर यहां पे मिल रही है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि 72, 75, 78 तक मैक्सिमम होती है लेकिन यहां पे 89.20 kg की मिल रही है। अब ये होता है फायदा पूरी तरह से जो स्क्वायर इंजन होता है उनका। तो इस वजह से आपको लो एंड परफॉर्मेंस तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक हद तक हाई एंड परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिलने लग जाएगा। यानी कि इसमें अगर आप दो बंदे बैठे हैं गाड़ी के ऊपर, कुछ सामान वगैरह है, तो पुलिंग पावर भी इसकी काफी अच्छी होने वाली है। तो ये है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इसके टर्निंग रेडियस की, अब उसके लिए सबसे पहले देखते हैं व्हील बेस। व्हील बेस यानी दो टायर्स के बीच का डिस्टेंस, और ये मिल रहा है आपको इस गाड़ी में 1330 mm का। नॉर्मली ये जो व्हील बेस है वैसे मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा बड़ा है ऐसा नहीं है, और बहुत ही ज्यादा छोटा है ऐसा भी नहीं है। ये मिड सेगमेंट में रखा गया है, जिस हिसाब से गाड़ी आपको मिल रही है उस हिसाब से यहां पे काफी अच्छा सूट होता है ये। तो 1330 mm ये ठीक ठाक है। जब भी आप गाड़ी कम जगह में घुमाओगे तो इसका फायदा आपको डेफिनेटली होने वाला है। सिटी राइडिंग में डेफिनेटली इसका फायदा होता ही है आपको, और साथ ही हाईवे पर स्टेबिलिटी बनाने में भी ये काफी काम आता है। तो ये जो 1330 mm है अच्छा है, ना कि मैं कहूंगा ज्यादा बुरा है। अब यहां पे अगर इसी गाड़ी को आप किसी खराब रास्तों पर लेकर के जाना चाहते हो, ऑफ रोडिंग करना चाहते हो, तो यहां पे जो ग्राउंड क्लीयरेंस मिल रहा है वो है 165 mm का। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा और बढ़ सकता था, क्योंकि 165 mm वैसे जिस तरह से व्हील बेस मिल रहा है उस तरह से जो ग्राउंड क्लियरेंस है अच्छी खासा जो है मैच कर लेगा, नीचे से ज़्यादा कुछ हीट होने नहीं देगा। लेकिन अगर किसी एक्सट्रीम खराब रास्तों पर आप चलाना चाहोगे गाड़ी को तो शायद नीचे से कुछ हीट होता, मतलब ऐसा डर लगा रहेगा कि कुछ ना कुछ हीट हो जाएगा। इस गाड़ी की जो ओवरऑल सीट हाइट है वो 810 mm मिल रही है। अब इसका ये मतलब है कि अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है, 5.4 फीट भी है, तब भी आप इस गाड़ी को आराम से
चला पाओगे। इसके ऊपर बैठने के बावजूद आपके जो दोनों पैर है वो जमीन पे अच्छे से आ पाएंगे, गाड़ी का वेट आप संभल पाओगे। सीटिंग पोजीशन की बात करी जाए तो जैसे कि आप इमेजेस में देख पा रहे हो, ये पूरी तरह से सिंगल सीट मिलती है, थोड़ी सी स्टेप डाउन है राइडर के लिए, पिलियन के लिए अप है। तो ये जो सीट है वैसे काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे पोजीशन दी गई है। अब इसमें अगर बात कर जाए राइडर की तो ये पूरी तरह से अपराइट सीटिंग पोजीशन है। लॉन्ग राइड के दौरान भी शायद यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें ना हो, आराम से आप जो है चला पाओ। जो पिलियन है उसके लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी चौड़ी और लंबी सीट मिल रही है, उसके लिए थाई सपोर्ट्स जो है वो भी अच्छा खासा मिलने वाला है। तो इस तरह की कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन यहाँ पे दोनों के लिए मिल रही है। इसी के साथ ये गाड़ी अपने आप में कुछ एडिशनल फीचर्स भी लेकर के आ रही है, आइए बढ़ते हैं उनकी ओर। तो यहाँ पे ABS जो है वो सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। चार्जिंग पॉइंट जो भी इस गाड़ी में आपको मिल रहा है, इसके साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका पूरा जो है डिजिटल मिल रहा है, और इसमें एक चीज़ और मिल रही है जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। मोबाइल कनेक्ट करके आप इसमें कई सारे ऑपरेशंस अपने मोबाइल से ही हैंडल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको इसमें स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज इंडिकेटर जैसे फीचर्स भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी के साथ पैसेंजर फुटरेस्ट अपकोर्स यस ये मिलता ही है। जो हेडलाइट है आपका LED मिल रहा है, यहाँ पे DRLs भी LED मिल रहे हैं, जो टेल लाइट है वो भी DRL मिल रहे हैं, और जो आपके इंडिकेटर से ये हाल फिलहाल तो बल्ब में मिल रहे हैं लेकिन इसे आप LED लगवा सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे आपको, यहाँ कोई एसेसरीज के तौर पे आते हैं। इसी के साथ इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है 12 वॉट की आपको मिल जाती है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, और जैसे मैंने कहा था इस गाड़ी को अगर ऑफ रोड करना चाहते हो तो यहाँ पे जो ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं उनके साइज 100x80 फ्रंट में और रियर में 140x60 सेक्शन का जो टायर है 17 inches का यहाँ पे मिल जाता है। टायर्स आपको सिर्फ ट्यूबलेस होने की वजह से आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन इस टायर्स में जो थ्रेड्स आप देख पाओगे काफ़ी अच्छे हैं, जिसकी वजह से आप ऑफ रोडिंग और ऑन रोडिंग दोनों, ऑन रोड ऑफ रोड दोनों कर पाओगे। और इन्हीं पूरे फीचर्स के साथ और ये पूरी की पूरी जो गाड़ी है ये आपको दिल्ली एक शोरूम प्राइस रेंज के हिसाब से 1,17,000 से लेके 1,20,000, 1,17,000 to 1,20,000, इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं, नॉन ब्लूटूथ, ब्लूटूथ, ये सभी जो वेरिएंट है ये आपको मिल जाते हैं दिल्ली एक शोरूम प्राइस के हिसाब से। अब प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, ऑन रोड तो ये कुछ और ही जाएगी, तो आप अपने नज़दीकी शोरूम पर जाकर इसकी जो प्राइस है वो पूछ सकते हो। चलो खैर यहाँ तक मान लेते हैं ये गाड़ी सब कुछ अच्छा है, बेहतरीन है, प्राइस भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव है, फीचर्स भी अपने आप में अच्छे इस गाड़ी में ऑफर किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके सर्विस नेटवर्क की और जो स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी है उनकी, क्योंकि भगवान ना करे दूर दरार कहीं गाड़ी बंद पड़ जाए और किसी स्पेयर पार्ट की जरूरत आन पड़े तो वहां पे क्या ये अवेलेबल हो पाएंगे। तो देखो ऐसा है कि सर्विस नेटवर्क की अगर बात कर ली जाए तो ये यामाहा की गाड़ी है, जो बाहरी ब्रांड्स होते हैं इंडिया में काम कर रहे हाल फिलहाल इंडियंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे, यानी कि हर एक कस्टमर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे, यामाहा उनमें से एक है। ये सर्विस नेटवर्क के मामले में इनका काफ़ी अच्छा जो है नेटवर्क तगड़ा है, बेहतरीन है, सर्विस भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, मुझे अभी तक कोई शिकायत महसूस नहीं हुई है जो कि मेरे व्यूवर से, सब्सक्राइबर से और मार्केट में जो लोग हैं उनकी तरफ से। और फिर अगर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी अभी अभी आई हुई है, नई है, इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है वो पुरानी है, वो है इसका इंजन जो FZS V3 में हमने देखा था। इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो ढांचा देख रहे हो आप, पूरी की पूरी गाड़ी है ये नई है, पूरी नई डिजाइन है। अब यहाँ पे अगर इनमें से कुछ स्पेयर पार्ट आप किसी विलेज में रहते हो, यानी बहुत ही दूर दरार एरिया में रहते हो, गाँव खेड़ों में रहते हो, वहाँ पे अगर सर्विस नेटवर्क जो आपका सर्विस सेंटर है अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है वहाँ पे आपकी थोड़ी सी दिक्कतें आ जाए, लोकल मैकेनिक के पास ये पहुँचने में अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, धीरे धीरे जो स्पेयर पार्ट है वो सर्कुलेट होंगे, तो इतना ही प्रॉब्लम आपको आ सकता है। उसके अलावा यामाहा में जो सर्विस नेटवर्क है और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी है इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। अब आइए बढ़ते हैं मोरल पे और बात करते हैं कि क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, क्यों खरीदनी चाहिए, क्या पर्पज होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरे जहन में ये आता है कि अगर आप RX 100 की यादें ताज़ा करना चाहते हो और क्लासिक और स्पोर्टी लुक का कॉम्बिनेशन देख रहे हो तो ये गाड़ी आपके लिए है। इसी के साथ अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आप हाई एंड परफॉर्मेंस और लो एंड परफॉर्मेंस के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी भी देख रहे हो, स्क्वेयर इंजिन्स में माइलेज भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया,
तो वो भी है। इसी के साथ अगर आप 150 सीसी सेगमेंट में किसी अपराइट सिटिंग पोजीशन की गाड़ी देख रहे हो, नॉर्मली जो 150 सीसी की गाड़ियाँ आती है उनमें थोड़ा सा एग्रेसिव सीटिंग पोजीशन देखने को मिलता है, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, जो कि अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये जो यामा का भरोसा आप पाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपके लिए है, आप इसे खरीद सकते हो। वैसे इसके ऑप्शंस में यानी कि इस सेगमेंट में कई सारी गाड़ियाँ पहले ही मार्केट में अपना मार्केट जो है वो जमा रखा है उन्होंने, तो इनके ऊपर भी कंपैरिजन जल्दी आने वाला है। अब अगर आपके पास भी या फिर आपके आस पड़ोस में किसी के पास भी ये गाड़ी है, उनका एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताना। हर मंडे मैं लेकर आता हूँ आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहाँ पर आप ही के द्वारा शेयर किया गया रियल लाइफ एक्सपीरियंस यानी ओनरशिप रिव्यू मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी भी अगर आपने मुझे इंस्टा ट्विटर फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी ना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।